रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी, हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश का 10 जुलाई तक अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि बारिश ने जान माल को लेकर ये भारी नुकसान हुआ यहां पर पहुंचा है। सड़कें, पेयजल परियोजनाएं बाधित हो गई हैं। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे बड़ी खबर और बेहद अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर अभी भी जारी है। लगातार कई चीजें यहां पर नुकसान होती हुई, सड़कें, पेयजल परियोजनाएं बाधित हो गई हैं। बारिश से जान माल का यहां पर भारी नुकसान होता हुआ, सड़कें, पेयजल परियोजनाएं लगातार यहां पर बाधित है। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी पहुंचा है। ये बेहद अहम जानकारी। हिमाचल भी बारिश का कहर लगातार यहां पर जारी है। तो आपको बता दें कि 352 करोड़ से यहां पर अधिक का नुकसान होता हुआ, प्रदेश में अब तक 352 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक 193.62 करोड़ का लोक निर्माण विभाग का नुकसान यहां पर पहुंचा है। प्रदेश में 168 सड़कें बारिश के बाद आए भूस्खलन से यहां पर बाधित हो गई हैं। सबसे अधिक 88 सड़कें पीडब्ल्यूडी मंडी जोन के तरफ ये बाधित हुई है। शिमला में भी 49 सड़कें बंद हो गई हैं। तो सबसे ज्यादा क्षति होता हुआ यहां पर हमीरपुर की सड़कें और कांगड़ा जोन के तहत 10 सड़कें बाधित हैं। सड़कों का बहाल करने के लिए 164 मशीनें तैनात की गई हैं। तो आसमानी आफत का कहर यहां पर लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर प्रदेश में 352 करोड़ से अधिक का नुकसान भी पहुंचा है। भारी बारिश से बागवान भी प्रभावित हो गए हैं। प्रदेश में बागवानी को भी करीब 26 करोड़ से अधिक का नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ, बिजली बोर्ड को भी करीब 92 लाख का नुकसान पहुंचा है। तो शहरी विकास विभाग को भी 38 लाख का नुकसान पहुंचा है। तो बारिश ने यहां पर किसानों की और बागवानों की भी यहां पर कमर तोड़ती हुई। आसमानी आफत से लगातार लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भूस्खलन तो कहीं ओलावृष्टि का दौर जारी है। तो बरसात में 43 लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है। प्रदेश में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। शिमला जिला में 11 लोगों की मौत हुई है बारिश की वजह से। तो चंबा और कुल्लू जिला में 7-7 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हमीरपुर में 5 लोग और सोलन में सिरमौर में 3-3 लोगों की मौत की खबर है। ऊना और मंडी में 2-2 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें बिलासपुर, कांगड़ा और किन्नौर 1-1 लोगों की यहां पर मौत हुई है बारिश की वजह से। बरसात में होने वाले हादसों में 79 लोग भी घायल भी हुए हैं। बारिश में 354 भेड़, बकरियों और पशुओं की मौत की खबर। 61 मकान और 23 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त यहां पर हो गई हैं। तो आसमानी आफत लगातार कहर लेकर बरपा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी जानमाल का नुकसान पहुंचा है, 352 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचा है। तो हमारे साथ धर्मवीर सैनी मंडी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मवीर सैनी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और लगातार यहां पर अभी भी बरसात का कहर जारी है, क्या कुछ जानकारी है जमीनी स्तर पर? सुबह से ही 9 बजे के करीब से जो है बारिश शुरू हो गई है और रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी हम बता दें आपको, छाता लेकर हम खड़े हुए हैं बीच बारिश में और बारिश का दौर अभी भी जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। बता दें कि पूरे ही प्रदेश में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटों तक। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे नदी नाले भी जो इस वक्त उफान पर है इस बारिश से। पिछले दिनों भी जो भारी बारिश हुई थी उसमें भी जो है 150 के करीब जो है मंडी की जिला में जो है पूरा जो है नुकसान आंका गया है। वही अगर बात की जाए पूरे ही प्रदेश में तो जो है 350 करोड़ से अधिक जो है नुकसान हो चुका है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं फेरी मंच के पास में, अभी भी यहाँ पे जो है बारिश लगी हुई है। और उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जो है लोगों से अपील की है कि बारिश को देखते हुए 2 दिन का जो अलर्ट जारी किया गया है जिला में भी, उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि इस दौरान जो है
ज्यादातर जो है घरों से बाहर ना निकले लोग, अगर जरूरी काम है तभी घरों से निकले और इस दौरान नदी नालों के किनारे ना जाएं। जी धर्मवीर, जिस तरह से यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश में प्रशासन जमीनी स्तर पर किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है? जी, जमीनी स्तर की बात करें तो पूरे ही जिला में जो है सभी जिला के अधिकारियों या कहा जाए तो खंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कुछ विभागों की छुट्टियां भी जो है इस दौरान रद्द रहती है, उन छुट्टियों को भी रद्द किया गया है। पूरे ही जो है एहतियातन बरतने के जो है और आपदा को लेकर भी जो है कुछ टीमें गठित की गई है जिनमें अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, उन टीमों का भी गठन कर दिया गया है और किस तरह से जो आपदा के दौरान बचाव किया जाए इसको लेकर भी जो है मॉक ड्रिल पिछले दिनों की कहीं भी पूरे ही प्रदेश में कहा जाए तो तैयारियां पूरी तरह से है। हालांकि अगर आपदा की बात की जाए, अगर ज्यादा कहीं नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है की स्थिति जो है भयानक भी देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशासन ने जो है पर्यटकों से भी अपील की है कि इस दौरान जो है अधिक संख्या में पहाड़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि कभी भी जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। बीते दिनों भी बात करें तो चंडीगढ़ नाली नेशनल हाईवे पर जो है करीब 20 घंटे जो है जाम लगा रहा जो लैंडस्लाइड के कारण, ऐसी ही कई घटनाएं जो है प्रदेश में भी देखने को आ रही है जिसमें जो है जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है और लोगों को भी अपनी जो है जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जी जी धर्मवीर सैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं पांवटा साहिब से। धर्मवीर माफ कीजिएगा, रॉबिन शर्मा, क्या कुछ जानकारी है पांवटा साहिब में, क्या स्थिति है बताइए जरा। मैं बताना चाहूंगा कि जो लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई है। इसके अलावा अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए जो पांवटा से शिलाई और चौपाल को जोड़ने वाली सड़क है, इसमें जगह जगह भूस्खलन हो चुके हैं जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रही सड़क का निर्माण का डबल लेन का कार्य भी चला हुआ है, लेकिन भूस्खलन की स्थिति जो जहां पर उत्पन्न हो रही इससे वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही, जो लोग पैदल चलते हैं अपने गाँव को जाते हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लगातार जो बारिश हो रही है लोगों के लिए आफत बन गई है। जी रॉबिन शर्मा, प्रशासन किस तरह से वहां पर मुस्तैद है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर पांवटा साहिब की बात की जाए तो ये उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ है और यहाँ पर यमुना नदी जो बहती है वो हमेशा उफान पर रहती है, क्योंकि जटौन डैम से पानी छोड़ा गया है, उत्तराखंड के से भी पानी छोड़ा गया है, तो जिसके चलते यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। ऐसे में जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि नदियों नालों से दूर रहें, जो हर वर्ष यहाँ पर हादसे होते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर गोताखोर की टीम तैनात कर दी है। अगर सड़कों की बात की जाए तो प्रशासन ने जो शहर की बात है तो नगर परिषद के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर जल भराव की समस्या जैसे पांवटा शहर में लगातार बढ़ती जा रही है उसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। इसके अलावा पीडब्ल्यू विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी भूस्खलन की समस्या होती है तो तुरंत जेसीबी मशीन को मौके पर भेज दिया जाए ताकि जो आवाजाही बंद होती है उसे खुलाने का प्रयास किया जाए। जी जी रॉबिन शर्मा, यहाँ पर किसान और बागवानों के क्या हाल है, किस तरह से उनके फसलों का नुकसान पहुंच रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा अगर मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर धान की जो फसल है वो लगातार बारिश से बर्बाद होने के कगार पर है, किसान परेशान हैं। अगर मैं गिरिपाल क्षेत्र या शिलाई विधानसभा क्षेत्र की बात की जाऊं तो आजकल टमाटर का सीजन था, अच्छे दाम टमाटर के मिल रहे हैं, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उससे जैसे रास्ते बंद हुए तो टमाटर की फसल भी बर्बाद हो रही है। इसके अलावा लगातार जो बारिश हो रही है उससे टमाटर की जो फसल लगी हुई है वो भी खराब हो रही है, ऐसे में किसान और परेशान नजर आ रहे हैं। जी रॉबिन शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान यहाँ पर परेशान है बरसात से।